वहीं पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों को धमकाने वाले रजत भट्टाचार्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन उसके पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडियो को पोस्ट कर बड़ा सवाल उठा दिया है। सवाल है कि पश्चिम बंगाल में बिहारियों की पिटाई पर ममता क्यों नहीं दे रही सफाई। धमकाने, धक्का देने, धक्का देकर गिराने और फिर कान पकड़कर उठक बैठक कराने की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की है, जिसे खुद शेयर किया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। सोशल साइड एक्सपर्ट पोस्ट के जरिए पश्चिम बंगाल में बिहार के बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगाया था। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कार्पेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चों के साथ मारपीट, क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं हैं? बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं, ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे, और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई ने बिहार की सियासत को गर्मा दिया। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तो निशाना साधा ही, तेजस्वी यादव से भी सवाल किया कि अभी तक तेजस्वी यादव की ओर से इस वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ममता बनर्जी की सरकार खुलेआम गुंडों को संरक्षण देती है, गुंडागर्दी करने वालों को प्रोत्साहित करती है, और जो टीएमसी के गुंडे हैं वो ऐसा कुकृत्य करते हैं। हैरानी है कि अब तक तेजस्वी यादव का कोई इस वीडियो को लेकर के कोई उनकी प्रतिक्रिया आई है, ना उनकी कोई चेतावनी पश्चिम बंगाल सरकार को आई। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और वीडियो के जरिए पहचान कर बांग्ला पक्खो संगठन से जुड़े रजत भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया और सिलीगुड़ी थाने में पूछताछ की। ये तो पूरा देखना पड़ेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, पुलिस देख रहे हैं। बांग्ला पक्खो संगठन के लोग पहले भी हिंदी में लिखे साइन बोर्ड को मिटाते रहे हैं। सवाल है कि क्या देश को बांटने की साजिश चल रही है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से अमित कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बंगाल में छात्रों की पिटाई से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद ने की ममता बनर्जी से बात, तो फोन पर ममता बनर्जी से बात की है। लालू प्रसाद यादव ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ममता बनर्जी ने आश्वासन भी दिया है। सिलीगुड़ी में हुई थी छात्रों की पिटाई, तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं छात्रों की पिटाई मामले को लेकर के। अब लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी से बात की है, फोन पर उनसे बातचीत हुई है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग लालू प्रसाद यादव की तरफ से की गई है और इस पर ममता बनर्जी ने उन्हें आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में कल छात्रों की पिटाई हुई थी। जो दो छात्र एग्जाम देने के लिए वहां गए हुए थे, सरकारी एग्जाम देने के लिए, उनको उनके साथ कुछ बदमाशों ने पिटाई की थी और इसको लेकर के अब एक्शन में सीएम नीतीश कुमार भी देख रहे हैं और लालू प्रसाद यादव ने भी अब ममता बनर्जी से बातचीत की है। और बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में ना तो कोई कानून है और ना ही सरकार है, बंगाल में अराजकता की स्थिति बनी होती है, और यही आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार को एक मिनट भी रहने का हक नहीं। अरे बंगाल में कोई कानून है क्या? बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को एक मिनट रहने का हक नहीं।